यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखें कि ये मुख्तफ़ किस्म की आयोनाइिंग रेडियशन है जिसमें टर्म्स एंड कंसेप्ट मुख्तलि जिसमें आयोनाइिंग रेडियशन इज रेडियम्स अलेक्ट्रिकली चार्ज अल चेंज इन टू आयोन्स अब ये इनकी डिटेल है यहाँ पर यहाँ पर अगर आप देख लें या यहाँ पे देख लें वन एंड द सेम थिंग एल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे बल्कि जो समझने वाला पॉइंट ऑफ व्यू ये है आयोनाइजिंग रेडिएशन इज रेडिएशन दैट बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज आर चेंज इन टू आयस इनको हम लोग बोलते हैं आयोनाइिंग रेडिएशन इसमें जो इम्पोर्टेंट्स है वो ये है जैसे कि एक्सरे रेडिएशन है न्यूट्रॉज है गेमा रेडिएशन है ये सारी रेडिएशन ऑर्गेनाइजेश में स्टूडेंट्स यूज़ होती हैं एक्सपोजर ऑफ इम्प्लॉइज टू रेडिएशन जो इम्प्लाईज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं जहाँ पे रेडिएशन है डेफिनेटली वहाँ पर उनको उन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा

एज लॉन्ग एज द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट इन सब का मकसद ये है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम लोगों ने इन चीज़ों को देखना है फर्दर देख लें डी स्टूडेंट्स ये आगे इसकी फर्दर डिटेल्स है During एनी कैलेंडर क्वार्टर द dose टू द होल बॉडी डज not एक्सीड्स एलेवन over फोर रैम्स ये है रैम्स बेसिकली अब ये इनकी अकाई है जिसके मुताबिक इसको मैर किया जाता है यहाँ पर यह मुख्तु स्टैंडर्ड्स हैं जो उन चीज़ों को शो कर रहे हैं वेयर एन इज द एम्प्लाई एज इन ईयर एट द लास्ट बर्थडे द एम्प्लायर मेनटेन अप टू डेट पास करेंट एक्सपोजर रेकर्ड ऑफ द एम्प्लॉज जो कि वहाँ पर जॉब कर रहे हैं कहीं वो इन चीज़ों से एक्सीड ना कर जाएँ अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि मुख्तलि प्रिकॉशन अगर इम्प्लाई फॉलो कर ले तो ऑटोमेटिकली वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकता है प्रिकॉशनस एंडोनल मोनिटरिंग एम्प्लायर्स मस्ट कंडक्ट कम्प्रेंसिव सर्वे टूटीफाई एंड अवेलुएट रेडिएशन प्रजेंट इन दर्क प्लेस फ्राम एनी एंड आल सोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अब कुछ बिजनेस ही इस तरह के होते हैं जहाँ पर रेडिएशन का ज़्यादा काम होता है अगर आप वो तमाम एस ओ पीज पहन लें तो आप उनसे काफ़ी हद तक बच सकते हैं फर्दर इसको अगर देखा जाए एनी इम्प्लाई हुटर्स अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया वेयर ही शी इज़ लाइकली टू रिसीव अ डोज ग्रेटर दैन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ़ द टोटल लिमिट ऑफ एक्सपोजर स्पेसिफाइड फॉर दैलेंडर क्वार्टर जो इसके सेट प्रिकॉशंस हैं रूल्स हैं रेगुलेशन हैं या जितनी भी चीज़ें उसमें होनी चाहिए उससे ज़्यादा अगर वो डोज इंप्लाई अंदर इंजेक्ट कर रहा है या इन्हेल ले रहा है तो उसके लिए वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी अगर वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इसको लास्ट में डीज़र स्टूडेंट्स जो आस्पेक्ट है उसको स्टडी करें तो वो ये है एनी इम्प्लाई एटीन ईयर्स ऑफ एज आर लेस हु एंटर आ रिट्रिक्ट एरिया वेयर ही आर शी इज लाइक अ डोज ग्रेटर दैन फाइव परसेंट ऑफ़ द टोटल लिमिट ऑफ एक्सपोजर स्पेसीफाइड फॉर आ कैलेंडर क्वार्टर एंड एनी इम्प्लाई हुटर्स हाई रेडिएशन एरिया इन चीज़ों को देखना मोनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हाई रेडिएशन एरिया में कोई बंदा एंटर हो जाए उसकी वजह से उसकी बॉडी इफेक्ट हो सकती है अगर लो रेडिएशन एरिया में आप एंटर हो रहे हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी इफेक्ट नहीं होगी लेकिन दोनों जगह के जो एस हैं उनको फॉलो करना अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे एम्प्लॉज के लिए लाजम है